इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति फिरोजपुर झिरका जिला नूह हरियाणा। जय जिनेन्द्र। शुक्र, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर नूह की धर्मधरा फिरोजपुर झिरका स्थित अयोध्या नगरी में 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य त्रिप्रदेश केसरी समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुनिराज रत्नाकर ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए। इस कार्यक्रम के पिछले भागों में आपने प्रभु के गर्भ जन्म एवं तप कल्याणक के मनोहारी दृश्यों को निहारा और आज के इस भाग में हम आपको दिखाएंगे प्रभु के ज्ञान कल्याणक के अनुपम दृश्य। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं परम पूज्य धर्मवात्सल्य प्रभाविका छुलिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के निर्देशन में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन की मांगलिक गतिविधियों का। परम पूज्य त्रिप्रदेश केसरी समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुनिराज रत्नाकर ससंग के पावन सानिध्य में 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर नूह की धर्मधरा फिरोजपुर झिरका स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य धर्मवात्सल्य प्रभाविका छुलिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के निर्देशन में 13 दिसंबर को श्रद्धालुओं ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान करने के साथ किया। आगे चबरे है पीछे चबरे है भक्तों की देखो भीड़ गजब है, आगे चबरे है पीछे चबरे है। प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद भक्तों ने जिनेन्द्र भगवान के शीश पर प्रासुक जल के मंगल कलश ढुराकर उनका अभिषेक किया। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं बं मम हं सं तं पं बं बं मम 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 हं 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 सं 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 तं 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 पं पं झं झं ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्राभय द्राभय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जने जिनमभि सेचयामि स्वाहा। ओ तीर्थोत्तम भवैनी रई क्षीरवादी रूप गई कृष्णव्यामि जन्मार्तां इदान सर्वं सिद्धिदान ओं ह्रीं श्रीं शिवादि वीरांतां जनिनी शृणुयाम। अभिषेक करने के उपरांत जिनेन्द्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना भाई। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दोस्कल वशादि पते जो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय शांति करना सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुछ तो पुत्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रूम रा अस्य औष नम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम रूम छुम फट कृतिम कृतिम घाते घाते पर विघ्नार स्फुटे स्फुटे सहस्रकंडान कुरु कुरु पर मुद्रां छिन्न छिन्न पर मंत्रान भिन्न भिन्न शाक्षा हुम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम दीप श्रीम श्रीम हरमस्य औषा अनहद विद्यायै नमो अरिहंतालम रोम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधान पर अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जैनेन्द्र यज्ञ विद्रेश मया भाई पुष्पांजलि अर्पण करे स्वस्ति त्रिलोक गुरु बीज निपुण भवाय स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वास पूज्य श्री श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमी नाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान दिव्यान मध्य ज्ञान बल दुहंता स्वस्ति क्रिया सुपरमन सियोन सकामि रूपी त्वमसित मेषम प्रकामे मंदति मतति मता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रिया सुपरमन सियोन यो सर्वतोपवतम सर्वतः अक्षीण संवास महान सास्य स्वस्ति क्रिया सुपरमन सियोन। मेरे पूजन की है अभिलाषा ओ तेरी पूजन की है अभिलाषा बिन पूजन रहो न जाए मित्रवर चलो तो पूजा करे आवे। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने क्रमानुसार भक्ति भाव से मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीम ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम तप कल्याण प्राप्त श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम नर्वपामेति। ओम ह्रीम पौष कृष्णा एकादश्याम तप कल्याण मंडल श्री चंद प्रभु तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम नर्वपामेति। ओम ह्रीम माघ श्री शुक्ला
शुक्ला प्रतिपदायाम तप कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदल तीर्थंकर परम देवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण एकादशाम तप कल्याणक प्राप्त श्री श्रेयांसना तीर्थंकर परम देवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण चतुर्दशाम तप कल्याण प्राप्त श्री वासुदेव तीर्थंकर परम देवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। माघ शुक्ला चतुर्दशाम तप कल्याण प्राप्त श्री भीमलनाथ तीर्थंकर परम देवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायाम तप कल्याण प्राप्त श्री कुंथुना तीर्थंकर परम देवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। इसी बीच पुण्य प्रतापी भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट करने का सुअवसर प्राप्त किया। समारोह के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री एकसवर ज्ञान भूषण जी मुनिराज ने श्रावक श्राविकाओं को आहार दान के महत्व को समझाया। ऋषभ महाराज अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं आहारचर्या के लिए। तीर्थंकरों को आहार की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनका वज्रवर्षण द्वारा सहनन होता है, लेकिन आहार दान की परंपरा चलती रहे उसके लिए वो आहारचर्या के लिए उठते हैं। लेकिन जब नगरी में प्रवेश करते हैं आहारचर्या के लिए, नगरवासी सोचने लगे, अयोध्या वाले सोचने लगे कि अरे आज 6 महीने के बाद महाराज नगरी में क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या सुंदर सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, क्या इन्हें वस्त्र आभूषण चाहिए। ये तो मालूम ही नहीं था कि मुनिराज आहार के लिए आए हैं, किसी को मालूम नहीं था, ना किसी को नवदा भक्ति मालूम थी। नवदा भक्ति कभी किसी को पता नहीं था उस समय, ध्यान रखना बंधुओं। लेकिन आज वर्तमान में नवदा भक्ति का पता है आप लोगों को। फिर भी यदि आप प्रमाद करते हैं संत के आने पर, उनका प्रधान करने का भाव नहीं आता, तो समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गई। संत मुनिराज नगरी में चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अयोध्या वासी क्या करने लगे, अपनी सुंदर सुंदर बेटियों को लेकर खड़े हो गए कि शायद हमारी बेटी लेना चाहते होंगे, विवाह करना चाहते होंगे, पाणी ग्रहण करना चाहते होंगे उनके साथ में, और कहने लगे कि हम अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं, हमारी बेटियां ले लो। कुछ स्वर्ण आभूषण के थाल लेकर खड़े हो गए, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर खड़े हो गए कि हम अपने हमारा ये स्वीकार करो। लेकिन नवदा भक्ति किसी को मालूम नहीं थी। बंधु मुनिजान बढ़ते चले गए, अयोध्या में 3 चक्कर लगा लिए, लेकिन कहीं भी विधि नहीं बनी, क्योंकि जब तक मुनिजान का प्रगहन नहीं करते, जब तक मुनिजान की नवदा भक्ति नहीं करते, एक भक्ति भी कम हो जाएगी तो वो आहार नहीं लेगी। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालु ने प्रभु का पड़गाहन करते हुए आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं,
तब धा भक्ति धार हृदय में पड़ गहन को आए हैं। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का भावपूर्ण मंचन किया गया। जिस प्रकार आदिनाथ पिता ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि हे पुत्रों भरत बाहुबली, जिस तरह से मैंने तुम्हारा लालन पालन पोषण किया, तुम्हें शिक्षाएं दी, उसी तरह से प्रजा को भी पुत्र वत् प्रेम स्नेह देना। तो महाराज कहिए, भरतेश अपनी प्रजा को पुत्र सम शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, धर्म की गंगा बह रही है। अर्थात आप चलो और उन्हें प्रणाम करो, उनकी अधीनता स्वीकार करो। दूत, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं चक्र को नमस्कार नहीं कर सकता, ना ही अधीनता स्वीकार कर सकता। जाओ अपने चक्रवर्ती सम्राट भरतेश से कहना, बाहुबली अधीनता स्वीकार के लिए कभी भी तैयार नहीं है। तो वो आपस में भाई भाई से बातें कर रहे हैं, आंखों आंखों में, कि मैं तेरे ऊपर कैसे वार करूंगा। स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट जनों ने समक्षरण का अनावरण किया, तो वहीं समक्षरण पर गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर को भक्तों ने जिनवाणी जी भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में तीनों लोकों से देव, पशु, पक्षी, दानव मानव आदि ने अपने कल्याण के लिए प्रभु के समक्ष शरण में आकर गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण की। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या उपाय है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। सच्चे देव सास गुरु की जो भक्ति करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, वही सम्यक दर्शन के पात्र बनते हैं। श्रद्धानं परमार्थानं आप्तागम तपोवृताम्। हेलो भगवान, आप धन्य हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, पूजन करने का क्या फल है? जो श्रावक श्राविकाएं देव सास गुरु की पूजन करते हैं, वो भव भवांतर में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जय हो, जय हो। वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने समक्षरण एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर शुभ कर्मों में वृद्धि की। तदुपरांत संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो उतर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो उतर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरतियाँ, भाव से हम सब मिलकर करें आरतियाँ। संध्या बेला में श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली,
मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। समारोह के समापन बेला पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर सभी का हृदय प्रफुल्लित कर दिया। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहें के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। तू अपनी औकात में रहे, हम तेरे मोहताज नहीं हैं। हमारे जहां ठिकाने हैं गुरुदेव के चरणों में, हमारे जहां ठिकाने हैं वहां तेरी भी कोई औकात नहीं है। अय्यर जी को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनसे पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पता कम है पड़ताल ज़्यादा है, पता कम है पड़ताल ज़्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज़्यादा है। इसे तालियों की खुराक देते रहना मेरे दोस्तों, इसे तालियों की खुराक देते रहना मेरे दोस्तों। ये व्यक्ति कभी कम बवाल। कभी राजस्थान जाओ, वहाँ घूमो, वहाँ के शहरों के नाम श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहरों के नाम के आगे भी श्री, और एक हमारा हरियाणा है यहाँ साढ़े बाप के नाम के आगे ना लगा मैं। कोई पूछे किसका है, नुक भाई सीटू का हूं। आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो, कभी अयोध्या जाते हो, कभी अक्षरधाम जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी संसद भवन जाते हो, एक बार फिरोजपुर झिर का भी हो क्या हो यार? तो उस आतंकवादी ने जो जवाब दिया, अगर आपको गुरूर हो, घमंड हो कि आप लोग फिरोजपुर झिरका के रहने वाले हैं, तो वो तालियां गूंजती हुई देखना चाहता हूं जो अभी तक नहीं आई हो। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य त्रिप्रदेश केसरी समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य धर्मवात्सल्य प्रभाविका छुलिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के निर्देशन में 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्यों का आनंद लिया। आपको पुनः बता दें कि हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर नुह की धर्मधरा फिरोजपुर झिरका स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय श्रावकों के अलावा बाहर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी प्रभु भक्ति कर पुनलाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति फिरोजपुर झिरका जिला नूह हरियाणा।